बड़ा स्लो टोन कपड़ा इसका अगर देखा जाए कि जैसा कि गुरप्रीत ने बताया कि स्लैपस्टिक कॉमेडी है, तो ये एक हमेशा फिजिकल कॉमेडी होती है। एक कॉमेडी ऐसी होती है जिसमें हम कॉमेडी तो करते हैं जैसे रियल, जैसे टेक फॉर एग्जांपल हंगामा। हंगामा में कॉमेडी निकलती थी लेकिन वो ट्रेजेडी उसकी पर्सनल जो बार बार वो उस स्थिति में फंसता था हमारा कैरेक्टर, तो वो रियल था लेकिन उसकी जो सिचुएशन थी वो फनी थी। इसमें क्या है कि ये स्लैपस्टिक एक कैरिकेचरिस है मामला, कि जैसे हमारा कैरेक्टर सेल्फी डॉन वो है नेगेटिव जैसा रोल है लेकिन काम वो करता है जो समाज में मान्यता नहीं है, लेकिन वो आपको कार्टून लगे, थोड़ी देर में कार्टून लगने लगता है, उससे भी मोहब्बत हो जाएगी आपको। तो जैसे बच्चों के बीच में कुछ कार्टून कैरेक्टर होते हैं जो कैरिकेचरिस होते हैं, लेकिन सिनेमा के माध्यम से अपन स्लैपस्टिक दिखा के और एक अच्छा रियल का इल्यूजन क्रिएट करते हैं कैरिकेचर के माध्यम से, तो इसमें रियलिटी और कैरिकेचर दोनों का समिश्रण है। मैं इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट को एक्टर हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि को एक्टर वो होता है जिसको सुनना आता हो, और चाहे हंगामा देख लो और चाहे वक्त देख लो, चाहे मेरी पत्नी और वो देख लो, और चाहे फिर छोटा डॉन देखो या जुड़वा टू का नंदू देख लो, हमारा हर करेक्टर पहले सामने वाले को सुनता है तब रिएक्ट करता है। इसलिए जो को एक्टर वाली परिभाषा अगर हमारा उदाहरण आप वर्ल्ड में भी दे दें कि तो इसमें मैं प्राउड फील करूँगा कि को एक्टर वो होता है जो सामने वाले एक्टर को सुन के जो भी रिएक्ट करता है वो सब एक्टिंग का हिस्सा होता है। नहीं, हमें बिल्कुल दुख नहीं होता है क्योंकि पिछले 10-12 साल से आज होल वर्ल्ड बिकेम स्मॉल विलेज। आज जितनी भी ट्रेजेडी, पहले क्या होता था कि हम लोगों के पास में पेजर नहीं था, मोबाइल नहीं था, डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, तो हम ट्रेजेडी को अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जिस तरीके से जो जी रहे थे, तो उसमें फिल्मों में ट्रेजेडी भी अच्छी लगती थी, कॉमेडी भी अच्छी लगती थी। आज थैंक्स टू यू गाइस कि आप पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव बना दिया है कि आज कोई भी ट्रेजेडी हो वो होती भी हम लोग कैच कर लेते हैं और उसको समाज के सामने रख देते हैं। तो बचा क्या है, शुद्ध एंटरटेनमेंट। तो आज पिछले 10-15 साल से अगर हम एंटरटेनमेंट के हिस्सा बने हुए हैं और हमारी एंटरटेनमेंट में लोगों के लिए दिल में जगह है, तो आई एम द लकीस्ट मैन। और आपके इंडिया में फेवरेट कॉमेडियन इंडिया में कौन-कौन है? ओहो, बड़ा मुश्किल सवाल है। इसमें चक्कर क्या है, ये ऐसा फील्ड है जिसमें कोई कंपेयर किए नहीं जा सकता है। जैसे ये जब खेल रहे होते हैं दिलबाग साहब तो यही फिर अच्छे लगते हैं, फिर जब राहुल बग्गा खेल रहे होते हैं तो वही अच्छे लगते हैं। जब कोई एक्टर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो फिर वो फिर किसी से कम कर रहा होता है या किसी से ज़्यादा कर रहा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए एक कॉमेडियन का नाम लेना या दो ग्रेट एक्टर का नाम लेना तो दुनिया में 13,000 एक्टरों को छोटा करना है। मुझे लगता है कि जो 6 है वो भी ठीक है और जो 9 है वो भी ठीक है, सब जो जिसका जहाँ पे जिस प्लेस पे नाम है वो 10 out of 10 है, सबको निकाल लिया। नहीं तो साइड ट्रैक पहले ज़रूरत थी, अब साइड ट्रैक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज हर कॉर्नर हर आदमी जानता है। तो पहले क्या है, साइड ट्रैक तैयार करना पड़ता है। अभी केले के छिलके से फिसल गिर गए और अगर उठ गए, देखा किसी ने, देखा तो नहीं तो आ जाती हंसी, और अगर केले के छिलके से फिसल गिर गए और मुंह फूट गया, खून आ गया, तो वहीं हो जाती ट्रेजेडी। तो मुझे लगता है कि ये जहाँ से ट्रेजेडी उत्पन्न है वहीं से कॉमेडी उत्पन्न है, और ये जो मिक्सअप है ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत सिनेमा का स्कोप, बोलते ना कला जितनी बिखरती उतनी सुधरती है, हर कॉर्नर, क्योंकि समुद्र कम हो जाएगा कला कम नहीं होती है। इसलिए लगातार ये इमेजिनेशन की दुनिया है और इसको फल्ले फूलने दो, जैसा भी शेप लेती रहे बस। इस साल में शादी तेरी बजाएंगे हम बैंड के अलावा कितनी और फिल्म आपके आने वाली? इस साल अच्छी फिल्में हैं, 6-7 फिल्में हैं, कुछ मेन लीड हैं, कुछ सपोर्टिंग लीड हैं, लेकिन अब जो भी जिन लोगों ने फिल्मों में काम दिया उनका भी धन्यवाद, लेकिन 18, 19, 20 आपको राजपाल यादव का अच्छा सिनेमा देखने को मिला।
मिलेगा, और जिसमें जैसा कि आई एम पास आउट फ्रॉम नेशनल फॉर ड्रामा, आई एम पास आउट फ्रॉम भारतेंद्र अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लखनऊ, तो हमने जैसा डायरेक्टर ने हमसे काम करवाया वो करने की कोशिश की हमने। हम इनको भी जब गुरप्रीत से पूछो कि अगर कोई भी शॉट इनके मन का नहीं है तो चाहे चार टेक हो, तो ये भी हमारे लिए 50 फिल्में डायरेक्ट किए हुए डायरेक्टर हैं। हमने कभी भी अपनी जर्नी में ये नहीं सोचा कौन, कि एक शॉट के बाद एक्टर पुराना पड़ जाता है और एक एक्शन के बाद में डायरेक्टर पुराना पड़ जाता है। तो इसलिए जो मिला उसको हकीकत मान लिया, जो नहीं मिला वो सपना है। लेकिन राजपाल या हर एक्टर का सपना होता है कि उसकी लाइब्रेरी में कुछ अच्छी फिल्में आए। तो 18, 19, 20 से ये पिछले अगले 3 साल राजपाल यादव की ज़िंदगी के बहुत अच्छे, कुछ जो हम पिछले 10-5 साल से कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर करना चाह रहे थे वो लगभग 6-7 कैरेक्टर वो सब फ्लोर पे हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। और आखिर में गंभीर सवाल, लाला जरा ब्रदर वो रुमाल देना, कोल्डी भाई इतना इमोशनल सवाल तो नहीं? नहीं नहीं इमोशनल नहीं है, ये सोया नहीं हूँ इसलिए जब सोते नहीं हैं तो अब रात भर जर्नी में थे, कल दिन भर शूटिंग थे, परसों शूटिंग थे, इसलिए गलत फहमी मत रहना कि फिल्म ले रो रहा हूँ। हाँ पर आखिर में गंभीर सवाल है, हाँ फिल्म जब शुरू हुई तब से आप शूटिंग कर रहे हैं या बीच में आए या एंड में आए? नहीं शुरुआत से ही थे, इसीलिए गंभीर सवाल मैंने पूछा, थोड़ा एम्बैरेसिंग भी है कि पोस्टर में आपका फोटो कहीं नजर नहीं आया। वो सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप गंभीरता से फिर एक मिनट का किस्सा सुनना पड़ेगा। ये गंभीर सवाल आपने किया है, जबकि हमने सच में बता रहे हैं हमने नहीं रियलाइज़ किया था, क्योंकि पहले दिन जब पहला आया तो पहला वो पहला कार्टून बना के हमारा ही आप लोगों ने रिलीज़ किया था। एक फादर था, उसके 2 बेटे थे, तो उसने एक पिता बहुत परेशान था, बोला यार क्या बताएं, एक बेटा है जो मतलब उसे कहीं भी छोड़ दो, कीचड़ में डाल दो तो वहाँ भी खेलता कूदता है, अब एक बेटा ऐसा है जिसको बिल्कुल कहीं भी बिठा दो, मोहन भोग खिला दो, उसके लिए वो कहता क्या है, क्या कोई खाना है? तो वो गया डॉक्टर के पास, उसने कहा कि हम 2 बेटे हैं, एक बिल्कुल नेगेटिव है, एक बिल्कुल पॉजिटिव है, एक का नाम क्या बोलते हैं नकारात्मक राम है, एक सकारात्मक है, दोनों एक एक कभी भी एक पटरी पर नहीं आते। तो डॉक्टर बोला यार ये तो बड़ा डीएनए तुम्हारा ही है? बोले हाँ सब कुछ बाकायदा बिल्कुल। तो बोले कि अच्छा एक काम करो, दीपावली आ रही है, एक कमरा भर देना मिठाइयों से और एक कमरे में घोड़े की लीद भर देना, को दोनों ठीक हो जाएंगे शाम तक। तो जो नकारात्मक आदमी था वो बेटे को उसने जहाँ पे बहुत मार पटाखे मिठाइयाँ ये वो सब उसके बीच में उसको बिठा दिया, और जो हर चीज़ में बहुत खुश रहता था उसको घोड़े की लीद वाले कमरे में छोड़ दिया, 10 घंटे के लिए दोनों छोड़ दिया। शाम को फादर पहुंचा, उसने सोचा कि पहले जो बेटा जिसके लिए बहुत परेशान हुई बड़ा वाला बेटा वो मिठाई बिठाई खुश खा के हो सकता है खुश हो गया हो, तो दरवाज़ा खोला तो बिल्कुल जला भुना बैठा बेटा, और एकदम फादर को देख एकदम बरस पड़ा कि ये होता है, पूरे 10 घंटे तुमने इस कमरे में बिठा दिया, ये मिठाइयों शुगर करवाने के लिए, पटाखा जल जाए जान चली जाए, ये क्या, ये करके क्या तुम चाहते हो, क्या तुम प्राण लेना चाहते हो मेरे? बाप घबरा गया, बोला अगर ये बंदा ये इसकी ये हालत है तो वो क्या कर रहा होगा जिसको घोड़े की लीद में छोड़ के आया हूं। दूसरा कमरा खोला तो जो दूसरा बेटा था वो गोबर में तैर रहा था पूरा, मतलब इधर उधर, बाप घबरा गया पागल हो गया क्या, बोला नहीं पापा इतनी लीद है घोड़े साला 10 घंटे से घोड़ा ढूंढ रहा हूं, इसके अंदर कहीं घोड़ा है। तो मतलब मैं बचपन से ही इस एटीट्यूड वाला आदमी रहा कि जिसने प्यार से बुलाया हम वहाँ गए, जिसके साथ काम किया वो सौभाग्य था, जिसके काम साथ काम नहीं किया वो दुर्भाग्य नहीं था, जिसके साथ काम कर रहा हूँ वो सौभाग्य है, जिसके साथ काम नहीं कर रहा हूँ वो कतई दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि सबके लिए कहीं ना कहीं जगह बनी है। तालियां। एक्टर तो हो गया, अच्छे इंसान भी हो, इसीलिए ऐसे
नहीं नहीं भैया, 20 साल से सब लोग जानते हैं, चेहरा देख रहे हैं। नवरंग मुंगेरी भाई नवरंगी लाल से यही चेहरे हैं जो सब फोटो भी खींच रहे हैं, सवाल ही पूछ रहे हैं। अब हम तो इनकी सेहत कामना करते हैं। अब ये आप डिसाइड करना, तो वो ऐश्वर्या जी से पूछना। लेकिन 100% कोई, देखिए एक चीज़ कहते हैं कि फिल्म अलग है, फिल्म नई है तो 100% ट्रीटमेंट अलग है। और ये लोग बड़ी अच्छी बात है गुरप्रीत की, जो इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और ये एड वर्ल्ड से आते हैं, करेक्ट? म्यूजिक वीडियो है एड वर्ल्ड वाले वो लोग, और इनका जो 3 डायमेंशनल सोचने का तरीका है वो फिल्म में इनका दिखता भी है। तो कह सकते हैं कि गोलमाल एक बहुत अलग तरीके की जो ब्रांड वाली फिल्म, गोलमाल एक टाइटल बहुत अच्छा ब्रांड। तो कोई फिल्म को जब जोड़ते हैं तो उसका कहीं ना कहीं से उदाहरण देके, मतलब उदाहरण के रूप में अगर आप माने तो एक अलग तरीके की छोटी मोटी बढ़िया हो भी सकती है। नहीं है, है नहीं बोलेंगे, है तो शादी तेरी बजाएंगे हम बैंड। हाँ, क्योंकि क्योंकि क्या है वहाँ पे फिर इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो अगर वो होती फिर इसका गोल छोटी गोलमाल नाम होता इसका। हमसे मैं मेरी पत्नी और वो हमने की थी, तो एक हमारे पत्रकार बंधन पूछा कि ये तुम्हारी रियल लाइफ के ऊपर फिल्म तो नहीं है, तो हमने कहा फिर ये फिल्म का नाम होता राजपाल यादव, राजपाल की पत्नी और वो, फिर मैं मेरी पत्नी और वो नहीं होता। तो इसलिए ये फिल्म अलग है, लेकिन इन फिल्म्स कह सकते हैं फैमिली कॉमेडी है, तो एक अलग तरीके की ये भी एक उसकी एक ब्रांच है, करेक्ट? तो क्या थॉट प्रोसेस होता है किसी भी फिल्म में काम करने से पहले, और क्या खास बात देखते हैं आप? हम नए रहना चाहते हैं इसलिए। तो नए पुरानों का मिश्रण होता रहता है तो हम जवान रहते हैं। ओके राहुल, आपसे पूछना चाहूंगा, तो द माइक इज यू नो केप्ट ओवर योर गेस, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट द मेकर्स ऑफ दिस फिल्म अप्रोच्ड ब्रदर? ब्रदर मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि इससे पहले जो मैंने थोड़ी बहुत 2-3 फिल्में करी हैं, लव शव, मस्तराम, मिस टनकपुर, तो अभी तो मैं नया हूँ, अभी तो सीख रहा हूँ। तो मुझे अच्छी चीज़ सिर्फ यही लगी थी कि एक ये ऐसी फिल्म है जिसमें कहीं पर भी आपको ना कोई ऐसी कोई वल्गर या टिटलेशन वाली कॉमेडी नहीं है। ये जिस पे पहले हम बात कर चुके हैं, स्लैपस्टिक है, फिजिकल कॉमेडी है, और ऐसा जॉनर ट्रस्ट में मैंने अभी तक किया नहीं था। सारे लोग मुझे मस्तराम के नाम से ही जानते हैं, उनको लगता है जैसे मैं खुद ही पॉर्न राइटर हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं एक फैमिली फिल्म करूँ, और मुझे लगता है इस फिल्म में वो सारे मिश्रण हैं कि आप एक 3 साल के बच्चे से लेके एक 70-80 साल के मेरे दादा मेरी दादी ये जाके फिल्म देख सकते हैं, उनको बहुत मज़ा आएगा। जी जी जी, तो देखिए मेरे ऐसे एक्टर्स, अगर मैं अभी यहाँ पर बैठ के बोल सकता हूँ कि मेरी बड़ी इंटेंशनल कोशिश है, बट जिस तरीके का मैं एक्टर हूँ, जितनी मैंने अभी फिल्में करी हैं, ट्रस्ट मी मेरे पास उतनी चॉइसेस नहीं है। जो मेरे पास चॉइसेस आती हैं मैं उसी में से अपने आप को देखता हूँ कि ये कैसे लोग हैं, क्योंकि अभी मेरे पास वैसे वाले ऑफर्स नहीं आते जिसको लेके मैं आपसे बात कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये अच्छे लोगों के साथ काम करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वो आई थिंक इस फिल्म में था। जी नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैं स्कूल में थी जब वो शो मुझे मिला था, मैं बहुत छोटी सी थी। मैं क्या, अरे आई वाज इन बिग बॉस फॉर, जब मैं नई नई आई थी तो स्कूल में पढ़ती थी, तो मेरे लिए वो क्या था कि बहुत अलग ही तरह की चीज थी। हाँ मतलब हो गई सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं था, व्हाट हैपेंड वाज इतनी कि मैं स्कूल मुंबई आई थी एक फेस्टिवल अटेंड करने कॉलेज का, एंड ऑल ऑफ सडन आई गेट दैट शो मम्मी की वजह से। किसी ने मम्मी से बात की, मुझे देखा, बोला कि नहीं नहीं आपकी बच्ची हमें बड़ी प्यारी लगती है, परी बना ले। तो मम्मी बोली क्या परी बना ले का मतलब क्या होता है? तो उस चीज़ से मैं काफ़ी, मतलब होता है एक बच्चे के ऊपर आगे की सबने परी 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 कहना शुरू कर दिया। मेरा नाम कोई नहीं जानता था, मैं ऑडिशन में भी जाती थी, सब परी 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 बोलते थे। देन फाइनली आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर टीवी अच्छे से, तब लोगों ने मेरा नाम जाना कि सृष्टि। तो उसके बाद ये काम करना, मतलब टीवी इतना करने के बाद पहली फिल्म करना मेरे लिए सब कुछ नया था, क्योंकि
एक्टिंग फिल्म की एकदम अलग है और टीवी की एकदम अलग है. इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो. इट्स नॉट ईजी. इतना अच्छा कॉमिक होता है कि पता ही नहीं चलता. एंड एक सीन पूरा दिन में भी हम शूट करते हैं जस्ट टू मेक इट बेस्ट. और टीवी में हम ऐसा नहीं करते. वी शूट 20 to 25 सीज इन अ डे जो बहुत ईजिली हम लोग कर सकते हैं, जबकि वो काम भी ईजी नहीं है. बट ऑफकोर्स सो मेरे लिए ये फिल्म मिलना इज लाइक अ ड्रीम. पार्डन, मैंने शतानिया क्योंकि इनके साथ मेरे बहुत सारे सीन्स थे. मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया सर ने और राजपाल सर ने मिलके. मैं दो बार टेक में आई वॉज इनसाइड, मेरे को अंदर जाना था बाहर नहीं आना था. तीसरी बार डोर बंद एंड आई वॉज लाइक नॉक कर रही हूँ बाहर से, सर सर चिल्ला रही हूँ सर डोर लॉक हो गया. बाद में बाहर ही सब हंस रहे थे. सीन तो पहले ही शूट हो चुका था. तो नहीं, उससे ज़्यादा ऑफकोर्स मैं सीख ही रही हूँ और आगे भी सीखूंगी एज एन एक्टर. तो बहुत कुछ अच्छा सीखा ऑफकोर्स. दे आर वेरी कहते हैं बहुत फाइन एक्टर्स है, बहुत फाइन एक्टिंग है और बहुत ज़्यादा क्रिस्प है सब में, सबके काम में. राहुल बहुत नोकझोंक की है मैंने इनसे सेट पर. हमारी तो बनी नहीं हमारी बनी नहीं. इवन हम लोगों ने क्या होता है वो जयमाला से भी एक दूसरे की गर्दन दबाई है यहाँ तक. उसके बाद तो बहुत हंगामा तो स्यापे भी बहुत हुए हैं. तो इट्स लाइक फिल्म बहुत मेहनत से बनी है, सबने बहुत मेहनत की है. जैसे दिलबाग जी क्या ये सोती रहती है. बहुत झूठा इल्जाम था मेरे ऊपर, इसके पीछे कॉन्सेंट्रेशन मेरी नहीं थी बंद करने के लिए. मैं मेरी नहीं थी, मेरा पता लगा तो मैं हंस रहा था, लेकिन मैंने बंद करवाया दोस्तों. अंदर से जो बंद हो उसको नहीं पता, बाहर यही दो लोग थे. नहीं नहीं, सीन में ये लोग तो थे भी नहीं. हाय वो पछताए. तो ऑफकोर्स ये शादी भी ऐसी है, प्लीज आइए फिल्म देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, पछताएंगे नहीं. और नहीं देखेंगे तो जरूर पछता सकते कि इतनी अच्छी चीज नहीं देख पाए. मेरे ख्याल से राजपाल जी के साथ काम करके मैं यही बोलूँगा कि ये फिल्म को आप प्लीज़ राजपाल जी के लिए ज़रूर देखने आए. हमें भूल जाइए, एटलीस्ट उनको ज़रूर देखने आइए. बिकॉज उन्होंने जो काम किया है वो मेरे ख्याल से आज की डेट में मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई भी एक्टर इस तरह का काम कर सकता है जितने वर्सेटाइल ये हैं. सो आई थिंक दिलबाग का म्यूज़िक, रोहित का पैशन, गुरप्रीत जी की ऑनेस्टी और राजपाल जी की एक्टिंग और हमारी सारी को एक्ट्रेसेस की खूबसूरती, उसके लिए ज़रूर देखने आए ये फिल्म. वेरी ट्रू. मैं ये कहना चाहूंगा कि इस फिल्म में कुछ फैब्रिकेटेड कुछ नहीं है. जैसे कि हम कोई स्टोरीज लिखते हैं स्पेशली उसको क्रिएट करते हैं, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके साथ हुआ है. ऐसा वैसी फिल्म है, ये रियलिटी है. जो शादी के बाद कुछ छोटी मोटी चीज़ें आती हैं वही सिचुएशंस हैं और उसको हमने कॉमेडी के रूप में आपको दिखाया है. आपको बहुत मज़ा आएगा 23 तारीख को, 23 मार्च आप ज़रूर जाएंगे. वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है 23 मार्च. बिल्कुल, शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस है. बहुत ही बढ़िया. उसमें शहीद हुए हैं. दिलबाग जी आप बताइए क्यों जाएंगे, आपका गाना है. नहीं बेटा, मेरे गाने तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन ये फिल्म देखने आप इसलिए जाएं क्योंकि ये प्योर कॉमेडी है. आप इसमें आपको बिल्कुल ब्रेक को थोड़ी देर के लिए, 3 घंटे या 2 घंटे की हमारी मूवी है, उसके लिए ब्रेक को किसी लॉकर में बंद कर दें या पॉकेट में डाल लें कहीं, और सिर्फ एक स्क्रीन को देखें. कोई भी शॉर्ट को अगर आप मिस करेंगे तो आप स्टोरी को मिस करेंगे. और आप उस जो हमारी स्पॉन्टेनियस कॉमेडी है और जो हमने डायलॉग बोले हैं दिल्ली के स्टाइल में, आप उन सबको मिस कर जाएंगे. सो इसको 2 घंटे के लिए दिमाग को अपने जेब में डालकर, सिर्फ आंखों और कानों को स्क्रीन पर लगाकर फिल्म को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा. और 23 मार्च मैं तो जब मैं सोता हूँ तब भी 23 मार्च बोलता हूँ, उठता हूँ सुबह फिर बोलता हूँ. तो मैं अपनी स्नैपचैट पे, इंस्टा पे सब जगह 23 मार्च साथ में लिखता जा रहा लिखता रहा. तो मुझे ये लग रहा है कि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, राजपाल सर भी हमारे बीच में, इन्होंने अभी बोला बड़ा पॉजिटिव बात है कि 2018-19-20 में आपको राजपाल जी के बहुत सारी हिट मूवी देखने को मिलेगी. तो ये 2018 की पहली मूवी है सर की जो आपको याद रहेगी. और जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, हमारे हम सब के लिए ये 23 मार्च जो डेट है ये हमारा फ्यूचर प्लान सेट करेगी कि हम इसके बाद आगे किस दिशा में बढ़ेंगे.
सो यही बोलूंगा कि आप देखिए जरूर मूवी को, हमें बहुत खुशी होगी कि अगर हमारी फिल्म थोड़ी सी भी चल जाए, और जिसकी हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि तो हमें रिस्पॉन्स सब जगह से बहुत अच्छा रहा। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, भूले मत, 23 मार्च। जनरली होता है ना, शादी सबकी बैंड बजाती है, पर इस फिल्म में हम शादी की बैंड बजा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आई थिंक दिस इज द ओनली रीजन कि जब शादी की बैंड बजेगा तो कैसा होगा, ये देखने के लिए आपको जरूर आना चाहिए थोड़ी थोड़ी मार्च को। और ये फ्लेवर्स बहुत अमेजिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है। सो शादी की बैंड बजते देखना चाहते हैं तो प्लीज आइए 23 मार्च को। ये फिल्म देखिए। थैंक यू। वेरी गुड। अच्छी बात की जीवन में पूरा जीवन है, बहुत सारी शादियों में जाते हैं, रिश्तेदारियों में जाते हैं, बहुत सारी अच्छी बुरी शादियां देखते हैं, और इस शादी में आने के लिए ये टेंशन नहीं है कि कोई बहुत बड़े उपहार लाने हैं आपको, क्योंकि कोई रिश्तेदारी में शादी करने जाते हैं तो सोचना पड़ता है कि यार 2000 रुपये का गिफ्ट खरीद लें कि 5000 रुपये का गिफ्ट खरीदें या 1 लाख रुपये खरीद लें। लेकिन इस शादी में 23 मार्च को आप सादर आमंत्रित हैं, एक जो भी रसीद होगी उससे ऊपर 1 रुपया फूल भी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस शादी को भी प्लीज, इसमें क्योंकि जीवन में हजारों शादियां देखते हैं और कई शादियां ज्वाइन करते हैं, तो उस श्रृंखला में एक शादी तेरी बजाएं घर में, उसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। Global Advertiser for Innovative Outdoor Solutions.